बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं सीएससी गाइड ऑफिशियल, और आज मैं आपको बताऊंगा उन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जिनकी स्टूडेंट ने कमेंट में कहा था कि हमें इस यूनिवर्सिटीज़ की फैकल्टी जो है ढूंढ के दें, तो उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो पहला कमेंट जो है मतलब लेटेस्ट जो था उसका वो था सिचुएन यूनिवर्सिटी के बारे में बता दें, तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है, या यार यहाँ पे आपने क्लिक कर लें, जहाँ पे आप मर्जी क्लिक कर लें। तो इस जगह पे जब जिस यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आगे चले जाएंगे। सॉरी, यहाँ पे ये ओपन नहीं हो रहा, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं वेबसाइट पे, ठीक है। वेबसाइट पे क्लिक कर दें, उसके बाद आपने चले जाना है इंस्टीट्यूशनल में, यहाँ पे कॉलेज सेटिंग में आ जाते हैं जाना है, ठीक हो गया। और इसके बाद ये सारे स्कूल्स आ गए, तो इसका इन सारों को ओपन करके आप कर सकते हैं अपनी फैकल्टी ओपन, उसके फैकल्टी ओपन करके ईमेल कॉपी कर सकते हैं। तो उसमें लड़के ने पूछा था कि भाई कंप्यूटर साइंस का हमें बता दें फैकल्टी इसकी ढूंढ के थे, तो उसके बारे में उसके मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे चाइनीज़ वर्जन है, ठीक है। तो चाइनीज़ वर्जन में काफ़ी मुश्किल था इसमें ढूंढना, तो किसी कभी कभी चाइनीज़ वर्जन में नहीं मिलता, इंग्लिश वर्जन में मिल जाते हैं। तो आपने इंग्लिश वर्जन पे क्लिक कर देना है, अगर इंग्लिश में ओपन हुआ हो तो आप चाइनीज़ में ओपन करके देख लें, अगर इंग्लिश में फाइंड ना हो रहा हो। तो ये फैकल्टी एंड स्टाफ आ गया, ठीक है। तो फैकल्टी और स्टाफ में आप प्रोफेसर पर क्लिक करेंगे तो ये देखें इतनी सारी ई मेल्स आपके पास आ जाएंगी, ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं सारे, तो बाकी भी इसी तरह के हर स्कूल का आप ओपन करके देख सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी सारी हैं, मैं देख रहा हूँ कमेंट में बहुत सारी आई थी, तो इस वजह से मैं सिर्फ इसी के बारे में बता रहा। इस तरह आप अपने हर बंदा अपने ये कॉलेज ये जितने कॉलेजेस हैं इसको आप देख सकते हैं, इसमें आप अपना मेजर ढूँढें, अगर आपका मेजर है तो आप अप्लाई करें, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद चलते हैं अगली वीडियो पर, अगली यूनिवर्सिटी कौन सी है। इसके बाद दूसरी यूनिवर्सिटी जो इसका कहा था वो है हार्बन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इनके इसकी आपको सबको पता है कि मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें 25 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है, इसकी एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। तो इसके जो वो है क्या नाम है उसका एडमिशन, और इसके जब सिलेक्शन वगैरह होगी, जब ये सेप्टेम्बर इनटेक तक होता है, इसकी डेडलाइन सबसे पहले होती है, लेकिन मतलब कि ये फाइनल रिजल्ट्स जुलाई सितंबर में करते हैं। तो यहाँ पे ये इंग्लिश में नहीं खोलना, आपने डायरेक्ट जो वेबसाइट यहाँ पे ओपन करनी है, ठीक है। इसमें आगे आप यहाँ पे कहीं भी नहीं मिलता इंस्टीट्यूशनल सेटिंग ना स्कूल्स एंड कॉलेज ना वो डिपार्टमेंट, यहाँ पर अपने डिपार्टमेंट पर क्लिक करना है, ठीक हो गया। जैसे ही आप डिपार्टमेंट पर क्लिक करेंगे आगे आ जाएगा सारे, ये इसमें ये ट्रांसलेट नहीं होता, ये सारे कॉलेजेस हैं, तो इनमें आप सब पे क्लिक करके देखें आपका कॉलेज कौन सा है। किसी एक पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। चले, मैथ का ओपन हो गया है ये, तो इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसकी सारी डिटेल आ गई। इसमें वन बाय वन आप हर बंदा आप ये सारे चेक कर ले, ये भी चेक कर लो, ठीक हो गया। इनमें से किसी ने किसी का जो है मेजर आपका कॉलेज होगा आपके हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर फैकल्टी में आ जाते हैं, फैकल्टी में आएंगे तो इतनी सारे वो प्रोफेसर आ गए, ये सारे ये मैथ के बेसिक मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट है, इसके प्रोफेसर हैं, ये सारी ईमेल यहाँ पे ईमेल दी गई है, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे कभी कभी मुश्किल हो जाएगा ईमेल फाइंड करना, तो यहाँ पे आप ये कॉपी एड्रेस करके इसको किसी और पेज पे ओपन करके तो आपको ईमेल फाइंड हो जाएगी, ठीक हो गया जी। ये हो गया सिचुएन यूनिवर्सिटी कह रहा हूँ, सॉरी हिट। इसी तरह किसी और प्रोफेसर की अगर ईमेल करनी है ये ईमेल एड्रेस आ जाता है, ठीक हो गया। ये जल्दी जल्दी आपने कॉपी करना होगा, क्योंकि ये उसके बाद क्या नाम है ये गायब हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। पता नहीं इनका सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि ये उड़ा देता है सब चीज़ें। इसको ओपन करते हैं नेक्स्ट पेज पर, ये जल्दी जल्दी यहाँ पर ईमेल आएगी, ये ख़त्म कर देता है, ठीक है। तो किसी तरीके से आपने वो कर लेना है, मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपने ईमेल फाइंड करनी है। वो उस भाई ने मेजर जिसने कमेंट किया था उसने मेजर नहीं बताया कि उसका मेजर कौन सा है, नहीं तो मैं मेजर उसको बता देता कि कौन से उसके मेजर के हिसाब से। तो ये हो गया, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी पे, नेक्स्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है उसके बारे में बताते हैं आपको। अच्छा जी, इसके बाद मैं बताता हूँ आपको नॉर्थ ईस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में, नॉर्थ ईस्ट नॉर्मल यूनिवर्सिटी के बारे में। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है ये इंग्लिश लिंक ये इंग्लिश लिंक यहाँ पे ओपन होगा, लेकिन इंग्लिश लिंक में आपसे ये ओपन नहीं होंगे, मैं आपको चेक करा देता हूँ। स्कूल एंड डिपार्टमेंट पे क्लिक करेंगे तो किसी स्कूल पे क्लिक करेंगे तो ये आगे नहीं जाएगा, किसी पे हम कर देते हैं बिजनेस पे, या तो ओपन नहीं होता या कोई और मसला आ जाता है,
ठीक है, जाएगा भी सही तो इंग्लिश चाइनीज़ में ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो आपको मैं डायरेक्ट जो है लेके जाता हूँ, क्योंकि कुछ डिपार्टमेंट ओपन होते हैं कुछ नहीं होते, इसलिए आपको मैं चाइनीज़ उसमें ले जाता हूँ। तो चाइनीज़ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे चाइनीज़ पे, तो आपके पास ये सारा आ जाएगा। ठीक है, तो ट्रांसलेट हो जाएगा। अगर ट्रांसलेट ऑटोमेटिकली ना हो तो यहाँ पे ये जो ट्रांसलेट का ऑप्शन होता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर दिया करें और यहाँ पे ट्रांसलेट खुद ब खुद आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो यहाँ पे स्कूल प्रोफाइल में जाना है आपने, और इधर इंस्टीट्यूशनल सेटिंग, ये देखें ये लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारे आ जाएंगे। मुझे यहाँ पे लड़के ने जो कमेंट किया था उसने कहा था कि बायोलॉजी के हिसाब से मुझे जो है वो बता दें इसका, तो बायो का बायोलॉजी का मुझे तो अब यहाँ पे कोई नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो कॉलेज ऑफ लाइफ साइंसेज में क्लिक करते हैं, इसमें शायद बायोलॉजी इसी में होती होगी, शायद मुझे उसका आइडिया नहीं है क्योंकि मेरा मेजर नहीं है। तो इधर फैकल्टी पे क्लिक करना है, हर हर डिपार्टमेंट दिया गया है, अपने अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से उस पर क्लिक कर देना है, ये सारे डिपार्टमेंट जो दिए गए थे यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें फैकल्टी पीआईडी ट्यूटर्स, पीआईडी ट्यूटर पे क्लिक करते हैं तो ये आ जाते हैं सारे। ठीक है, टीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं, टीचर्स पे क्लिक करेंगे तो ज़्यादा टीचर्स आ जाएंगे। ठीक हो गया, ये ईमेल दी गई है, कॉपी करें इसकी, देखें इसका क्या रिसर्च बैकग्राउंड है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो ठीक हो गया, ये बायो के डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी, ठीक हो गया, मैं ठीक आ गया था कॉलेज ऑफ लाइफ साइंसेज में। तो ठीक हो गया, ये हो गई क्या नाम है इसका, यूनिवर्सिटी नॉर्थ ईस्ट नॉर्मल यूनिवर्सिटी, आपको पता चल गया होगा। एक मरतबा मैं दोबारा भी बता देता हूँ कि कैसे करना है आपने, कैसे आना है। ठीक है, जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करेंगे इस तरह आ जाएगी। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट ना हो तो किसी ऑप्शन पे क्लिक कर दें, ऐसे खाम खाम खा किसी के भी क्लिक कर दें तो ऑटोमेटिकली ये ट्रांसलेट हो जाएगी, या यहाँ पे क्लिक कर देंगे ट्रांसलेट हो जाएगी। तो स्कूल प्रोफाइल में, इंस्टीट्यूशनल सेटिंग में, आगे फिर अपने मेजर में कोई भी मेजर हो, लाइफ साइंसेस खोल लेते हैं, इसमें फिर फैकल्टी, ठीक है, फैकल्टी में टीचर्स ये सारे आ गए। ठीक है, ये सारे आप कॉपी कर सकते हैं और इनको ईमेल कॉपी करते हैं, ईमेल कर सकते हैं एसोसिएट प्रोफेसर, इन लेक्चरर्स को नहीं करनी, इनको नीचे वालों को एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर करनी है, कोशिश करनी है कि प्रोफेसर से लेना है एक्सेप्टेंस लेटर। ठीक हो गया, इसके बाद चलते हैं अगली यूनिवर्सिटी पे। तो इसके बाद आते हैं शिंघाई जी होता यूनिवर्सिटी, इसका लड़कों को मसला आ रहा था, तो इस पे क्लिक करना है, ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद इसमें इंग्लिश वर्जन में काफ़ी वो है कि कुछ डिपार्टमेंट होते ओपन होते हैं कुछ नहीं होते, तो हम चाइनीज़ वर्जन ओपन करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे चाइनीज़ वर्जन तो ये आ जाएगा। उसके बाद आपने कॉलेजेस पे जाना है, कॉलेजेस में आप कॉलेज पे जब क्लिक करते हैं तो आपके पास ये सारे कॉलेजेस आ जाते हैं। ठीक है, तो बायोमेडिकल, बायोमेडिकल के हिसाब से उस लड़के ने, दोस्त ने कमेंट किया था भाई ने, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं, आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे, ठीक है, मेन्यू में आना है, इसके बाद फैकल्टी, ठीक है, इस पे प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद टीचर लिस्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये सारे टीचर्स की लिस्ट आ जाएगी सबकी, तो आप इनको जिनको मर्जी चाहे ईमेल कर सकते हैं, क्लिक करते हैं किसी एक प्रोफेसर पे, ठीक है, इस प्रोफेसर पे क्लिक किया, ये सारा बायोडाटा इसका आ गया, ईमेल इसकी इधर खड़ी है, तो कॉपी करें और मज़े उड़ाएं। और ये भी सारे इनके मेजर जो जो यहाँ पे हैं ये अपने देख सकते हैं, इंजीनियरिंग में ये सारी इंजीनियरिंग आ जाती है, मैथ है ये, और सोशल साइंसेज हैं, इंटरनेशनल स्कूल रिसर्च इंटरेस्ट ये वाले हैं सारे, रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये सारी चीज़ें इसका हो गया। और इसके बाद और यूनिवर्सिटी पे चलते हैं, नेक्स्ट कौन सी यूनिवर्सिटी है। तो डेयर इसके बाद चलते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चाइना, यूएसटीसी, ये काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो इस पे यहाँ पे क्लिक करें, इसका सीधा सीधा हिसाब है, यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है, इसके बाद इसमें जाएँ स्कूल्स में जाएँ, ये सारे स्कूल्स दिए गए हैं, मैं क्लिक करता हूँ कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और लाइफ साइंसेज पे। ठीक है, तो पहले लाइफ साइंसेज पे क्लिक करते हैं, ये स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज आ गया, फैकल्टी पे जब क्लिक करेंगे, ठीक है, और प्रोफेसर इंस्टीट्यूट प्रोफेसर दिए गए, प्रोफेसर पे क्लिक करते हैं, ये सारे ये इधर प्रोफेसर आ जाते हैं, ये भी डिटेल दी गई है इनकी, तो इन पे आप बारी बारी क्लिक करके वो कर सकते हैं। इसके बाद कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट है, ठीक है, स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंसेस, यहाँ पे फैकल्टी पे क्लिक करेंगे तो सारी फैकल्टी आ जाएगी, ये आपने फैकल्टी मेंबर्स और रिसर्चर्स इन पे दो पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये सारे आ गए, ठीक है, इनको कॉपी करके आपने ईमेल क्लिक करते हैं, ये जैसे जैसे मैंने वीडियो बनाई है ऐसे ऐसे आपने कॉपी कर सकते हैं, ये नहीं कि लिंक हमें बता दें, हमें ये कर दें, हमें वो कर दें, तो वो सारी चीज़ें आगे देखते हैं कि उसका क्या होता है। इसके बाद देखते हैं अगली कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है।
उसके बाद आती है जी फुदान यूनिवर्सिटी। फुदान यूनिवर्सिटी पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है, और हो जाएगा इसका इंग्लिश का लिंक ओपन यहाँ पे। लेकिन इंग्लिश के लिंक में फैकल्टीज़ जो है मुश्किल मिलती है, आपने चाइनीज़ पे क्लिक कर देना है, इस चाइनीज़ पे, ये देख इस पे, ठीक हो गया। और इसके बाद ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो जाएगा। फिर ये इंस्टीट्यूशनल सेटिंग, ये आपने गूगल क्रोम पे करना है, मैं पहले कई बार बता चुका हूँ आपको। इंस्टीट्यूशनल सेटिंग पे क्लिक करेंगे, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है, ये सारे मेजर्स आ जाएंगे, ये आप देख सकते हैं, ठीक हो गया। और आप अपना वो ढूंढ सकते हैं मेजर। उसके उस पर बाद हम क्लिक करते हैं फिज़िक्स के, आज डिपार्टमेंट पे क्लिक करते हैं, काफ़ी लड़के फिज़िक्स के होते हैं, तो फिज़िक्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे फैकल्टी पे क्लिक कर दें, फैकल्टी पे, और इसमें यहाँ पे ओवरव्यू, स्टाफ रोस्टर, एकेडमियन और स्टैंडिंग, ये लिस्ट ऑफ रिटायरीज, तो आपने स्टाफ रोस्टर पे क्लिक कर देना है क्योंकि यहाँ पे एक्टिव मेंबर यही है। तो ये सारी ईमेल दी गई, इनके प्रोफाइल भी आप ओपन कर सकते हैं, अलग अलग करके इतने सारे प्रोफेसर हैं, सबको आप मेल कर सकते हैं और मेल करके आप वो कर दें। ये सारे मेजर यहाँ पे, ये स्कूल दिए गए हैं, आप अपना स्कूल, लाइफ साइंसेज है, कोई भी है, जो भी है, आपने आपका अपने मेजर अपने हिसाब से आपने फाइंड कर लेना है, ठीक है। चले फैकल्टीज ऑफ लाइफ साइंसेज पर आज आ ही गए हैं, तो आज लाइफ साइंसेज का दिन है शायद, तो फैकल्टी पर क्लिक कर दें, ठीक है। जैसे ही फैकल्टी पर क्लिक करेंगे, ओ तेरी खैर, इतने प्रोफेसर्स, आप इन सब को क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। इन सब पे क्लिक करके ईमेल आपको इनको करें, कुछ को एक दिन करें, कुछ को थोड़े दिन ठहर के करें, 10-10, 15-15 को एक एक दिन करें, ज़्यादा ना करें, क्योंकि ये हो सकता है वो सारे प्रोफेसर इकट्ठे भी बैठे हो सकते हैं, मे भी नहीं भी हो सकते, तो करना जब सबको है तो कुछ कुछ करके आप कर लो, तो ये आप पे डिपेंड करता है, ईमेल इसकी दी गई है प्रोफेसर की, ठीक है। आप इनको सबको मेल बारी बारी कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। और इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी पे। अगर आप भी अपनी यूनिवर्सिटी, आप जिसको मसला आ रहा है अपनी यूनिवर्सिटी फाइंड करने में, तो वो अपना इसी वीडियो की कमेंट में बता सकते हैं कि मुझे इस यूनिवर्सिटी की फैकल्टी नहीं मिल रही, तो मैं कोशिश करूँगा फाइंड करने की। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनकी फैकल्टी मुझे भी नहीं मिल रही थी, क्योंकि ओपन ही नहीं होती साइट, उसके बाद फैकल्टी का नामो निशान ही नहीं होता, लेकिन इनकी फाइंड हो रही हैं, जिन जिन की लड़कों ने कमेंट की थी। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट फैकल्टी कौन सी है। इसके बाद आते हैं नेंजिंग यूनिवर्सिटी। नेंजिंग यूनिवर्सिटी पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो इंग्लिश का लिंक ओपन होता है, उसमें मसले आते हैं, कुछ डिपार्टमेंट ओपन नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है, चाइनीज़ वर्जन ओपन हो जाएगा, ये वाला सारा ये ओपन हो जाएगा, ये इंग्लिश पे क्लिक करेंगे, इंग्लिश आ जाएगा लेकिन उसमें डिपार्टमेंट नहीं आते, वही पीछे वाला, तो इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये सारे डिपार्टमेंट आज आपके, आपने कहाँ पर क्लिक करना है, डिपार्टमेंट पर, इधर क्लिक करेंगे, ये सारे डिपार्टमेंट आ जाएंगे, ठीक है। आज हम क्लिक करते हैं जी किस पे चलें, इस पे केमिस्ट्री के डिपार्टमेंट पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही क्लिक करते हैं ये आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने टीचर्स पे क्लिक करना है, स्कूल ऑफ केमिस्ट्री एंड इंजीनियरिंग, यहाँ पे टीचर पे क्लिक करना है, ठीक है। और ये इतने सारे प्रोफेसर आ गए, ये सारे, इन सबको बारी बारी आप मेल करें, और यहाँ पे ईमेल यहीं कहीं दी होगी, ईमेल उनकी कॉपी करें। कभी कभी ईमेल प्रोफेसर नहीं देते, अपनी शो नहीं कराते वेबसाइट पर, तो यहाँ पे इसकी ईमेल दी गई है, ये देखें, तो आप इन सबको मेल कर सकते हैं, ये जी अपने अपने कॉलेजेस डिपार्टमेंट इसमें चेक कर सकते हैं, तो इसके बाद आप इनको मेलें करें। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। मैं आपको सिर्फ डिटेल में नहीं बता रहा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक हो गया। तो इसके बाद है सन येट सन यूनिवर्सिटी। सन येट सन, ये ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है, 10वें नंबर पर, आई थिंक 9वें 10वें 11वें नंबर पर है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं इस पर, तो इसका वर्जन जो है इंग्लिश में ओपन होता है, इसमें जैसे डिपार्टमेंट्स हैं, स्कूल एंड डिपार्टमेंट्स ओपन होते हैं, इस पर किसी जगह क्लिक नहीं होता, ठीक है। कोई एक आध कॉलेज है, उसके बाद कोई किसी के पे क्लिक नहीं होता। तो इसका बेहतरीन हल यही है कि इंग्लिश वर्जन यहाँ पर नहीं है, तो ये लिखा हुआ है, ये इंग्लिश वर्जन पर आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, इंग्लिश वर्जन आ गया, ठीक है। जैसे इंग्लिश वर्जन आएगा, यहाँ पर आपने इंस्टीट्यूशनल सेटिंग पर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ये पता नहीं क्या खुला हुआ है, क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपका टाइम वेस्ट हो रहा होता है तो क्लोज़ कर दिया करें, ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो जाएगा। इंस्टीट्यूशनल सेटिंग पे क्लिक करें, तो ये सारे मेजर स्कूल आ गए, ठीक है। तो इनमें से आप अपना स्कूल फाइंड कर लें, स्कूल ऑफ, हम कहते हैं फाइनेंस, चले फाइनेंस कर देते हैं, ठीक है। फाइनेंस पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर फैकल्टी पर क्लिक कर देना है आपने। और इसके बाद टीचर एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ या टीचर स्टाफ तो या टीचर लाइन अप, ये सारी चीज़ें आपको ये दिया गया है, प्रोफेसर बल्कि यहीं पे आ गए हैं, ठीक है।
प्रोफेसर आ गए यहीं पे, या आप क्लिक करें एसोसिएट प्रोफेसर नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो इन सब की प्रोफाइल पे आपने क्लिक करके प्रोफाइल में से ईमेल निकाल के उनको कॉपी कर देनी है, सेंड कर देनी है, ठीक है। क्योंकि स्पीड स्लो है, टाइम बहुत हो रहा है, तो आप वन बाय वन आप खुद कर लेना। आप अपना यहाँ पे मेजर देख लें, हिस्ट्री, कॉलेज।